पश्चिमी चंपारण जिले के मुख्य सड़क समेत ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिस वजह से ग्रामीण इस सदी में भी विभत्स सरभरा जीवन जीने को मजबूर है। प्रखंड गमनाहा के ग्राम रूपोलिया का बर्मीज टोली सड़क से मिट्टी भराई करीब 30-35 सालों से नहीं हो रहा था। हालांकि गांव वाले अपने स्तर से मिट्टी भराई कर किसी प्रकार यातायात लायक बनाकर गुजर करते थे, पर सरकारी योजना के तहत अब तक काम नहीं हुआ। जिस समस्या पर मसन में 2016 अगस्त महीने वीडियो बनाई थी, रोड से का परेशानी गुजरला, रोड ले हर चीज के परेशानी में, जंगल झाड़ खेती बदारी बोर बाजार क्रियाक्रम सब हमने के गजन बा, रोड ले सब कुछ ले दुख बा। का मुखिया जी जब अथी इलेक्शन में लड़ले तो टाइम में वो सड़क मांग करी ने बहुत कुछ कहला, बाकी कहला लोग कि हाँ जीत जाता नहीं जानू, अब के लिए हमरा में ध्यान दी जाए, अब के लिए वो आदमी छोड़ी जाए, अब के लिए हमरा के जीता के देखी जाए, आदमी वह आदमी जीता के देखता है बदलाव कह के, वह आदमी बस अपन ही बनाए के फिर हम पड़ जाता है, रोड के कोई ध्यान नहीं के दे। लड़का जाता तो गिरिए जाता, अभी छोट बा 10 साल के, जाता गिर और जाता था दिन तो पढ़ाइए नहीं के हो पावत, पढ़ाई छूट जाता है। और लड़की भी है 15 साल के, तो सगैन लड़की और 15 साल के साइकिल टांग के रोड में ना लेके जाए, और पढ़ाई बारिश के दिन में काजे हो जाता है। मैं अपने समुदाय के मदद के साथ ग्राम रूपोलिया बर्मीज टोली सड़क समस्या में बदलाव लाने में सक्षम थी, जिसके लिए गांव के लोगों के साथ आम सभा वार्ड सभा में मनरेगा के लिए योजना भी बनाई थी, मैपिंग भी करवाई, लेकिन गांव में घनी आबादी की वजह से सड़क के किनारे मिट्टी नहीं मिला और काम वहीं रुकना पड़ा। इस रोड को बनाने में दिक्कत है कि वो रोड जो है कि PCC कराना होगा जी, लेकिन वहाँ अगर हम केवल नरेगा से सिर्फ अर्थवर्क का ही हम काम कर सकते हैं, लेकिन अर्थवर्क में भी वहाँ एक समस्या है क्या कि हमको नज़दीक में मिट्टी नहीं मिल रही है, हमको मिट्टी बाहर से और टेलरिंग से लाना होगा, जिसके आप मशीन के प्रयोग चूंकि हमारे यहाँ वर्जित है, हम बिना मशीन के प्रयोग का ही कार्य करेंगे। अतः इस योजना को अगर कराना हो तो इसके लिए संबंधित पंचायत सचिव अथवा BDO से अगर आप बात करें और उनसे मिलें, ताकि किसी अन्य योजना 14वीं वगैरह जो योजनाएं हैं या जिला परिषद की कोई योजना है तो उस योजना के माध्यम से वहाँ कार्य कराया जा सकता है और वह अच्छा सड़क बन जाएगा। ग्रामीण के सहयोग से बैठक कर PCC के लिए आवेदन लिखी और VLW उमेश पटेल प्रभार ग्राम पंचायत सचिव रूपोलिया के सहयोग से आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिलाई और उनके माध्यम से जिला पदाधिकारी तक। उसके बाद कई माह इंतजार करने और VLW पर दबाव बनाने के बाद बजट आई, यथाशीघ्र काम शुरू हुआ, जो आज मिट्टी भराए PCC का निर्माण का 19/3/2017 को संपन्न हुआ। रोड जाता था दिन तो पढ़ाई नहीं के हो पा, पढ़ाई छूट। आपका आवेदन मैंने BDO साहब को दिया जी, BDO साहब पंचायत समिति की बैठक में उसको पारित करा चुकी हैं और उस पर संभवतः 16 तारीख से काम शुरू हो जाएगा, काम प्रगति पर है। हाँ तो ये रोड बनाओ खतरा कौन सी प्रक्रिया भाई? रउआ वीडियो बना कर ले गई, मीटिंग कराइनी, आई आवेदन लिख कर ले गई, तब ओकरा बाद में बनल आई कथी कहलन ग्राम सेवक लगे संतोष राय के पूरा सब लोग के सहयोग से सब बनल। तो ये रोड बनल तो आप लोग के जिंदगी में कैसा लगता? अब हमने के बहुत अच्छा लगता, सुंदर लगता। पहले हम लोग जाते थे तो कपड़ा गंदा हो जाता था, गिल जाते थे, इसलिए विद्यालय में नहीं जाना पड़ता था। तो अब स्कूल जाती है ना जी? कैसे जाती है? अब हम लोग चल जाते हैं अच्छा से। कैसे क्यों? क्योंकि अब रोड बन गया है, अच्छे से हम लोग जाते हैं और आते हैं। इससे पता चलता है कि सामूहिक प्रयास से तेजी से बदलाव लाया जा सकता है। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ट के लिए।